क्या सोच रही हो रमा? अब भी तुम्हें यही रहना है और अपने घर चलना है? बेटे के मुंह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। हजार दफे कहा चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी रमा के हाथ को थामे नवल बाबू बोल रहे थे, ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी, थोड़ा तो सोचकर बोलिए। जाने दीजिए ना बहू की बात का क्या बुरा मानना, जब बेटा ही ना समझे, पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को छोड़ भी जाए पर इस 3 साल की पोती को तो नजर भर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई रमा बोली, कह रहा हूँ रमा, देखना जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोले उस दिन तुम अपना सामान बांध कर मेरे साथ पटना चल चलोगी। एक तो हैदराबाद में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में पड़े रहो। नवल बाबू सख्त लहजे में बोले, अच्छा बाबा धीरे धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेंगी फिर नमक मिर्च लगाकर कार्तिक से कहेगी और फिर वो हमें ही जिम्मेवार मानेगा। रमा पति को चुप रहने की मिन्नतें करती बोली, पता नहीं ये औरतें औलादों के पीछे इतनी पागल क्यों रहती है। भुना भुनाते हुए नवल बाबू कमरे से निकल गए। रमा अपनी पोती इशू के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान सारा नवल बाबू के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ा लिखाया, वो अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सोच रही थी बहू भी खोजकर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया, अपनी पसंद की लड़की अवंतिका से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। अवंतिका देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नजर में किसी को अच्छी लग सकती थी। नवल बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर रमा के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए, वो भी बस इसलिए कि रमा अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था, शादी के बाद अवंतिका के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते चले जाते। अवंतिका जब भी आती घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। कार्तिक पूरी तरह अवंतिका के रंग में रंगने लगा था, वो जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले रमा और नवल बाबू को कार्तिक ने आने के लिए कहा था। यूं तो अवंतिका के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे, बच्चे के जन्म से पहले वो चले गए बस इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था जिसका खर्चा बहुत आता। कार्तिक खर्च कर तो सकता था पर अवंतिका ने कहा, अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर कार्तिक ने रमा और नवल बाबू को बुलवा लिया था। रमा अपनी पोती के साथ अवंतिका का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए करके रमा और नवल बाबू से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी अवंतिका ने। रमा रसोई में काम कर रही थी, उसे कार्तिक और अवंतिका की आवाज सुनाई दी। उस वक्त नवल बाबू बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। कार्तिक हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो मम्मी पापा से बोलो जो पटना वाले फ्लैट का किराया आता है वो हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाओं के पैसे इतने लगते वो हमें दे दिया करें। रमा के हाथ ये सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे थे, पर कार्तिक की बात से वो संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी, मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे लूंगा, वो हमारे बच्चों को जो देना चाहे दे, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर कार्तिक ऑफिस चला गया था। रमा तो सुनकर दंग रह गई थी, उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर नवल बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर नवल बाबू रमा पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो रमा ने नवल बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। अवंतिका ने कहा, मम्मी पापा जी आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं,
आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। कार्तिक चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रही हो। ये तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। ये सुनकर भी चुप है। नवल बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा। कार्तिक ने कहा, कार्तिक बेटा लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोच कर तो यही आई थी, कुछ महीने रह कर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात, तू वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांग कर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार अवंतिका ने कार्तिक से ये बात कही थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, बेटे के मुंह में आज आपको यूं बातें सुननी पड़ी। कहकर रमा नवल बाबू की ओर गुनाहगार नजरों से देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन कार्तिक के घर से निकलने को हुए, तभी कार्तिक उनके पास आकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं अवंतिका की बातों में आ गया, आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ, पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, जो तुम कह रहे जरूरत बढ़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूंगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है ये तमाचा किसी और को ना मिले। कहकर नवल बाबू रमा का हाथ पकड़े और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। कार्तिक गुस्से में अवंतिका को देख रहा था। अपने माता पिता का ये अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने अवंतिका से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने का पैसा, तब समझांगा, बहुत सोचती हो। अवंतिका अब मन ही मन अफसोस कर रही थी, पहला पति नाराज हो गया और दूसरा अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। रमा और नवल बाबू अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद ये सोचकर औलाद हो ना हो, हम साथ हैं तो क्या गम है।